जब हम सीफ्रू कूनी करते हैं, इसका जो आँखों के ऊपर के बाल है ना, थोड़ा सा आँखों में ना आ जाए इसलिए काट देते हैं, और पैरों की जो नीचे जो पाँव में बाल होते हैं वो भी काट देते हैं, क्योंकि अगर नहीं ये बाल अगर शेव नहीं करेगा तो इसको चलने में दिक्कत हो जाएगा, चलने फिरने में। इसका नेल भी छोटा छोटा करके काटना पड़ता है क्योंकि इससे चलने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए मेरा नाम अतिथि देव है और मैं कोलकाता से हूँ, और मेरे पास ब्राज़ील से इम्पोर्ट किया ये सिक्स चीज़ है, ये है और ये इसका बच्चा है। और मैं कैनल में डॉग्स नहीं रखती, मैं इसको बच्चे के तरह रखती हूँ, मेरे घर में ही सब रहते हैं। फिर 25-26 सिक्स है मेरे घर में, अपने साथ ही रहते हैं, खुला रहता है सब, जो शो करता है वो केज में रहता है और नहीं तो सब खुला रहता है। सिट्सु बहुत बहुत अच्छे ब्रीड है, और इसको अगर ठीक तरह से मेंटेन करेगा तो बहुत सुंदर होगा, शो करेगा, और ये बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ मिलजुल सकते हैं, किसी को काटते नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसको अच्छी तरह से घूम करके रखना पड़ता है, और इसका जो शैम्पू वगैरह है वो सब बाहर से, काश पप्पी का शैम्पू बाहर से रहते हैं इसके लिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट भी लगता है, रखना बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत लासा का जो है, लासा का मसल बड़ा होता है, लासा का टेम्परमेंट अच्छा नहीं होता है, और उसका जो फार क्वालिटी है वो थोड़ा स्टिकी होता है, और सिट्ज़ू जो है इसका फार एकदम नरम होता है, और इसका माजल एकदम छोटा होता है, 5 फेस होता है, और साइज में भी छोटा होता है, और इसका टेम्परमेंट बहुत बहुत अच्छा होता है। मुझे बहुत सिट्ज़ू अच्छा लगता है। पहले तो मैं गोल्डन रिट्रीवर लैब्राडोर करती थी, बाद में मुझे एक बार मैं सिट्ज़ू देखा तो उनसे प्यार हो गया, फिर मैं इसको ब्राज़ील से दोनों, एक डॉग एक मेल एक फीमेल लाया, ये प्राइम मून से लाया है, द वन एंड ओनली विकी, और डायना मेरे घर में है क्योंकि उसके अभी बच्चा हुआ है, और ये इसका बच्चा है। मैं खुद ग्रूमिंग करती हूँ, मेरा एक पार्लर है, रॉयल पॉस नाम का एक पार्लर है, उसमें सब इंपोर्ट किया है, सब बाथटब, हाइड्रोलिक बाथटब, ग्रूमिंग टेबल सब है, उधर में इसको ग्रूमिंग करती हूँ, नहाना उधर में सब होता है इसको। हाँ, मेरे पास 26 सिट्स है, और बाहर मेरे 3 सिट्स अभी है, थाईलैंड में 2 है मैंने खरीद लिया है, और एक ब्राज़ील में है, एक डॉग ब्राज़ील में है। डॉग शो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत चैलेंजिंग लगता है, तो डॉग शो के लिए तो मैंने बाहर से सब सीट भी लाती हूँ, और डॉग शो में जीतना भी बहुत अच्छा लगता है, और ये जब कोलकाता में आया बहुत डॉग शो जीता है, और ये अभी ये बच्चा डॉग शो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे पास सबके KCI पेपर्स है, और जो जो भी बच्चा होता है, अभी मेरे पास 4-5 सिट्स है जो बुक ऑलरेडी बुक हुआ है, हैदराबाद जा रहा है 3 सिट्स बहुत अच्छा, और एक सिट्स जा रहा है बेंगलोर में, और विथ सब KCI रजिस्टर पेपर के साथ, इसका भी KCI रजिस्टर पेपर है, इसका भी पेपर ट्रांसफ़र हो गया है। रॉयल कैनिन खाता है, रॉयल कैनिन पापी फूड जो है, सबको रॉयल कैनिन पापी फूड खिलाती है, और कुछ सिट्स है वो राइस भी खाता है, चिकन राइस खाता है, पर ये लोग रॉयल कैनिन खाता है, सैल्मन ऑयल देती हूँ खाने में, बिस्किट्स भी खाता है, शाम को ये बिस्किट्स खाता है, ज़्यादा छोड़ती नहीं हूँ, ये केज में ही रहता है क्योंकि इसका बाल खराब हो जाएगी, इसलिए बाल काट दिया है, उसको छोड़ देते हैं, वो खुला रहता है। प्राइस जो है 40-45 मिनिमम रेट, और ये जो इम्पोर्ट डॉग का जो बच्चा होता है वो मिनिमम 90-1 लाख होता है, 90,000-1 लाख रेट। एक्चुअली बोथ साइड इम्पोर्ट का पप्पी एकदम अलग टाइप का होता है, एकदम 5 फेस होता है, और उसका जो कोट क्वालिटी होता है एकदम बहुत बहुत सुपर क्वालिटी होती है,
सब जानते हैं वो बहुत बहुत अच्छा होता है, इसलिए पापी का प्राइस थोड़ा कम होता है। ब्लड लाइन भी कैरी, अच्छा ब्लड लाइन भी कैरी करता है ना, इसलिए। मेरा नाम विथि देव है, मेरा एड्रेस 12 नाजिर बागान हालतू कोलकाता 78। मेरा फ़ोन नंबर है 9831559715। अच्छी क्वालिटी का सूची आप लोगों को चाहिए तो मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी मेरे पास ही गार्जियन इम्पोर्ट डॉग है, फीमेल भी है मेल भी है, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा है, एकदम प्योर गोल्डन कलर है, और इसका जो पप्पीज होती है बहुत बहुत अच्छी होती है, इसका जो फार क्वालिटी होता है एकदम डियर जैसा होता है, बहुत सुंदर होता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और इसके टीथ भी देखने पड़ते हैं, बाइट बाइट ऐसे होना चाहिए, प्रॉपर बाइट है, ये बाइट देख लीजिए। और ये जो मज़ल है ना, ये मज़ल एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा, एकदम 5 फीसद का है सिचूस का। इसका बीमारी मतलब इसका आँखों का ही प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादातर आँखों की प्रॉब्लम हो जाता है। आप घर में रखते हो तो आप उसको बार्बी कट करके रख सकते हो, हमारा जो पार्लर है उधर में बार्बी कटिंग भी, बार्बी कट भी बहुत अच्छा लगता है।